अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाए की रेसिपी। जिनको भी पाए बनाने में इशू है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे ड्राई मसाले हैं हमारे पास, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, प्याज है, धनिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। आप ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी, और ये सौंफ है, लौंग, ज़ीरा, सब कुछ। अच्छा, बहुत से लोग मलमल के कपड़े में डाल के भी करते हैं, लेकिन मेरी नानी या मम्मा ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि सारा मटेरियल नीचे बैठ जाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और वो काफ़ी अनहाइजेनिक भी होता है। आपको क्या पता कि कपड़ा साफ़ है या नहीं, इसीलिए ये वाला मेथड यूज़ करें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा बनता है। इसको 12 घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए पकाएं, उनका कलर चेंज हो जाएगा। यखनी हमारी एकदम रेडी है। अब हम पाए का तड़का रेडी करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, उसे अच्छे से सॉटे कर लें, और उसमें अनियन पेस्ट डाल दें। जितनी आपको थिकनेस रखनी है, जितना आपका मटेरियल, उस हिसाब से डाल दें। यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट भी ऐड किया था, जो स्किप हो गया, और ये सारे ड्राई मसाले हैं जो उसमें डालेंगे। स्पेशल पार्ट ये है कि थोड़ा सा पाए का मसाला भी डाला है। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ हमारी यखनी भी रेडी है, और सारी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे देखें, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। सारी स्पेयर्स बोन्स मैंने निकाल दी हैं, जिसमें गूदा वगैरह नहीं है, वो सारी आप निकाल दें, और बाकी सारी चीज़ों को एक घंटे के लिए पका लें। एक चम्मच गरम मसाला ऐड करें और सारा वाटर एक्सट्रैक्ट होने दें। यहाँ पे हमारे पाए बनके रेडी हैं। आप इसे अदरक और हरी मिर्ची से गार्निश करें और मज़े से खाएं। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ना बहुत ज़्यादा रनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है। आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, आसान सी रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।